हाँ, मैं पहुंच जाऊंगी। अरे बस बस भैया, यही रोक दीजिए। हाँ चल, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। होगी भैया पेमेंट? ठीक है मैम। लगता है मैम का बॉक्स यहीं रह गया है। क्या है इसमें? अरे ये तो हार है, ये तो बहुत महंगा लगता है। बेचारी खामखा परेशान हो रही होगी, अभी मंदिर में गई होंगी ना। दे आता हूँ उन्हें वापस। अरे यार ये तो क्या कर रहा है? सोच कितना मोटा हार है, अगर ये बेच दिया तो लाइफ सेट हो जाएगी। इतनी तो तेरी साल भर की कमाई नहीं है। एक काम करता हूँ, इसे बेच देता हूँ। आज तो लॉटरी लग गई। हेलो दी। हाँ मैंने हार ले लिया है। हाँ बस मंदिर भी हो आई हूँ, मंदिर के बाहर ही खड़ी हूँ, बस घर ही आ रही हूँ। हाँ हाँ घर ही आ रही हूँ, ठीक है। हाँ वो मेरे पास ही। दीदी मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। हार, हार का बॉक्स कहाँ गया? मैंने लिया तो था। शिट, कहीं कैब में तो नहीं रह गया? ओह गॉड, एक बार कॉल करके देखती हूँ। अबे पागल है क्या? हार लेने गई थी ना, कहाँ यार? डब्बा तो दिखाई नहीं दे रहा कहीं। दीदी मैंने हार ले तो लिया था और मैं लेकर आ ही रही थी, पर पता नहीं मुझसे वो हार कहाँ मिसप्लेस हो गया। पता नहीं कहाँ रख के भूल गई या शायद कैब में रह गया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैंने वो हार आपके लिए कितने प्यार से बनवाया था, अपनी सारी सेविंग्स लगा रही थी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा दीदी, इतनी बड़ी गलती मेरे से हो कैसे गई? कैसे मैं इतनी लापरवाह हो गई? प्रीत सच में हार खोना तो बहुत बड़ी गलती है, तू इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती है? सॉरी प्रीत, मैं तेरे पे गुस्सा हो गई। कोई बात नहीं, अगर हार खो गया तो नया हार आ जाएगा। इतना रो मत, उसके लिए इतना परेशान मत हो। देख परेशान होने से वो वापस तो मिलेगा नहीं, अब खो गया तो खो गया। वैसे भी देख हार ही तो था, ये शुक्र मना कि इससे ज्यादा भी कुछ हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ है ना। हार खोने पे बात टल गई, इतना मत सोच, कोई बात नहीं। और वैसे भी मेरे पास इतने सारे हार हैं, उनमें से पहन लूंगी, कोई बड़ी बात थोड़ी है। जो होना होता है ना वो होता ही है, तू परेशान मत हो। दीदी मैंने वो हार इतने प्यार से बनवाया था आपके लिए। प्रीत मैं समझती हूँ कि तेरे दिल पे क्या गुजर रही होगी, लेकिन तूने मेरे लिए इतना किया ना वही बहुत बड़ी बात है। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, तो ठीक है कोई बात नहीं। देख गेट पे कौन है? मैम ये आपका बॉक्स, वो आप इसको ना गाड़ी में भूल गई थी तो यही देने मैं वापस आया हूँ, ये लीजिए। मेरा बॉक्स, मेरा हार। थैंक यू सो मच भैया, आप मेरा हार लौटाने इतनी दूर तक आए। अरे मैम इसमें थैंक यू की क्या बात है, आप ही का बॉक्स है, आपको वापस मिल गया तो इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है।
वैसे इसको देख के मेरे मन में भी लालच आ गया था। मैंने सोचा था कि इसको बेच के पैसे कमा लेता हूँ और शायद मेरी ज़िंदगी भी अच्छी हो जाती इसको बेच के, लेकिन मेरा दिल नहीं माना। वो क्या है ना कि हराम की कमाई से ज़्यादा मेहनत की कमाई फलती है, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं ये बॉक्स आपको वापस देने आ जाऊँ। वैसे भैया आपको मेरा घर मिला कैसे? वो मैम हुआ यूँ ना कि मुझे लगा कि आप मंदिर में ही होंगी तो मैं वहीं गया था, लेकिन वहाँ से आप जा चुकी थी तो मैंने सोचा कि जहाँ से मैंने आपको पिक किया था मैं वहाँ पे आ जाता हूँ, तो मैं वहाँ गया तो मैंने गार्ड को बताया आपका नाम और नंबर, तो उन्होंने मुझे आपका एड्रेस दे दिया, तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गया ये बॉक्स आपको वापस लौटाने। भैया ये तो आपने बहुत अच्छा किया, आप रुकिए मैं कुछ पैसे लेकर आती हूँ। नहीं नहीं मैम, पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका बॉक्स आपका हार आपको वापस मिल गया मेरे लिए वही बहुत खुशी की बात है, और वैसे भी मैं पैसे मेहनत करके कमाना चाहता हूँ, ऐसे नहीं। अच्छा मैं चलता हूँ।